नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं खबरों की तरफ, बात कर लेते हैं बहराइच की। यूपी के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा नाम के युवक की मौत हुई थी। रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पिछले दिनों से काफी दावे मीडिया में किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उसके साथ बर्बरता की गई, उसे तमाम तरह की यातनाएं दी गई और फिर उसकी हत्या की गई। हालांकि इन दावों का अब बहराइच पुलिस ने खंडन किया है और इन्हें फर्जी बताया है। महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अतः समय से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान दें। डॉक्टरों के पैनल ने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ समझौता, स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पर जो रहे वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक माए ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है, और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है। तो बहराइच हिंसा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों मृतक रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी जमकर बवाल हुआ। सीधा रुक कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए कुंवर दिवाकर का। कुंवर दिवाकर, अगर बात करें जिस तरह से बीते दिनों मीडिया में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे थे, रामगोपाल मिश्रा जो मृतक था बहराइच हिंसा में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, तो क्या कुछ सच्चाई है? पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अब पुलिस अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी और सीएमओ बहराइच ने दावा किया। सीएमओ ने तो बताया कि गोली लगी है, बाकी जो है ब्रेन हार्वेस्ट से उसकी मौत हुई है। लेकिन ग्रामीण एसपी ग्रामीण का कहना है, पवित्र मोहन त्रिपाठी का, कि ऐसा कोई नहीं अफवाह फैलाई जा रही है, उसकी जो है गोली लगने से केवल मौत हुई है। बाकी सोशल मीडिया पर अपील किया है एक बाइट देकर, बाकी पोस्ट करके भ्रमक सूचना न फैले जाए, ऐसे कोई मामला नहीं हुआ है। इन लोगों का कहना था जोड़कर जैसे नाखून देखा गया था, बाकी छर्रे देही बर्सों में जैसे सीने के सारे छर्रे, कई छर्रे के निशान थे, और इसमें अब तक कार्रवाई जो हो चुकी है, इसमें 65 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है दोनों पक्षों से मिलाकर। सहायक सूचना जिलाधिकारी को लखनऊ संबद्ध कर दिया गया है, पुलिस क्षेत्राधिकारी मासी को सस्पेंड कर दिया गया है, पूर्व में जो है आनंदेश हरदी को चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया था, बाकी बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी मामला शांत है, धरना पर धीरे धीरे पटरी पर आ गई। वहीं दिवाकर, जिस तरह से पुलिस की भी खासा लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली थी, क्या यही वजह कि जो इंस्पेक्टर है उन्हें यहाँ पर उन पर एक्शन लिया गया, लेकिन जो उच्च अधिकारी है उन पर एक्शन आखिर कब? उच्च अधिकारियों पर अभी एक्शन नहीं लिया गया, जांच रिपोर्ट डीजीपी ने जो सौंपी है मुख्यमंत्री को, डीजीपी समीक्षा दी है, जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई उच्च अधिकारियों पर हो सकती है। अब लोगों की यही आस है कि जो पुलिस जो लापरवाह उच्च अधिकारी हैं या वहाँ के पुलिस कर्मी, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। नीचे कर्मचारियों पर गाज गिर गई है, चौकी इंचार्ज और जो है थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो गए हैं, पीओ सस्पेंड हो गए हैं, और जिला सूचना अधिकारी को लखनऊ तत्काल संबद्ध कर दिया गया है। जी साथ ही अगर अभी इस मौजूदा स्थिति की बात करें, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बवाल मचा था, एक तरह से फिर से फर्जी या भ्रामक सूचना फैलाने की कोशिश यहां पर की गई थी, सोशल मीडिया में अलग अलग दावे किए जा रहे थे, यही वजह थी कि इंटरनेट सेवा बंद थी बहराइच में। अभी इंटरनेट सेवा को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, और अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या नियंत्रण में पूरी तरह से स्थिति? इंटरनेट सेवा बहाल कर दीजिए, लोगों से पुलिस अधिकारियों द्वारा अपील की जा रही है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं, स्थिति सामान्य हो गई है, पुलिस सुरक्षा छावनी में तब्दील है,
लोगों से पुलिस अधिकारी या एसडीएम सीओ बैठक करके अपील किए कि दुकानें खोलें और पटरी पर गाड़ी ले जाए, बाकी स्थिति सामान्य है। इस समय कोई ज्यादा वो नहीं, अफवाह फैलाने पर सख्त से सख्त सोशल मीडिया की भी नजर है। बाकी जो आईपीएस भी इनकी ड्यूटी लगी तो वो आईपीएस भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, एडीजी एलओ भी कर रहे हैं, डीआईजी कमिश्नर डीएमएससी सारे लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि दिवाकर जो पीड़ित परिजन है उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करी थी, इनकाउंटर की मांग की थी, जो आरोपी है उनके उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी। सीएम ने हालांकि इस मामले में आश्वासन दिया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी, और क्योंकि अब पुलिस के गिरफ्त में है कई सारे आरोपी, क्या माना जाए, जांच कितना आगे बढ़ पाई है, क्या मुख्य आरोपी के बारे में कुछ पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्या गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा सभी के ऊपर? पुलिस का कहना है कि ये 10 FIR अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 1 FIR पहले नामजद हुई थी, 4 नामजद, 6 अज्ञात, 3 FIR पहले हुई थी, 3 FIR पुलिस के द्वारा जिसमें बाजी पुलिस है उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, और अभी मुख्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है, जो है उसकी तलाश कर रही है, उसमें छापेमारी भी हो रही है, उसकी जो है धरपकड़ नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं नेपाल आने की सूचना पुलिस वालों को प्राप्त हो रही है, नेपाल के बॉर्डर पर वही नजर रखी जा रही है। अच्छा दिवाकर, पहले बात ये चल रही थी कि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है, अब क्या पुष्टि हो चुकी है कि फरार है मुख्य आरोपी? हाँ पुष्टि हो गई, पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार नहीं है, उसकी छानबीन की जा रही है, तलाश की जा रही है। मुख्य आरोपी में एक उसका पिता है, 2 उसके बेटे हैं, अमित का जी। ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब यूपी उपचुनाव की कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का जल्द ऐलान कर सकती है, 22 अक्टूबर तक बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली की मीटिंग संभव है, प्रत्याशियों के नाम को लेकर एक दौर की मीटिंग पहले ही हो चुकी है। बीजेपी 8 में से 4 नए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, बीजेपी ने 1 सीट आरएलडी को भी दी है। तो यूपी में जिस तरह से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हालांकि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, सिर्फ जो 9 सीटें हैं उनके लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। अब उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल पूरी तरह से तेज है, पहले ही भारतीय जनता पार्टी 1 सीट यानी मीरापुर सीट अपनी सहयोगी आरएलडी को दे चुकी है। अब बाकी बची हुई सीटों के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है, जल्द भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। अब की बार बीजेपी थोड़ा समय ले रही है, एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था, महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी, और यही वजह कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही है। जल्द भारतीय जनता पार्टी यूपी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों के नामों को लेकर पत्ते खोल देगी। 22 अक्टूबर तक माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। प्रत्याशियों के नाम को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर यूपी बीजेपी संगठन और बीजेपी दिल्ली के बीच मीटिंग भी संभव है, हालांकि पहले ही एक दौर की मीटिंग हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं रमन मिश्रा के पास। रमन, क्योंकि उपचुनाव को देखते हुए सियासी हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का खेमा हो या भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, 22 अक्टूबर तक डेट बताई जा रही है, क्या माना जाए, टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से मंथन और क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? रिया बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो गया है, और अब प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो भारतीय जनता पार्टी, दोनों में मंथन चल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था, जिसमें से 1 सीट अभी होल्ड है मिल्कीपुर। अभी समाजवादी पार्टी भी 4 सीटों पर मंथन जारी कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में अभी 9 की 9 और मिल्कीपुर को लेकर पूरे 10 सीटों पर मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि 21 से 22 अक्टूबर तक सूची आने वाली है, उससे पहले एक बार दिल्ली में उत्तर प्रदेश की जो भाजपा कमेटी है और जो दिल्ली आला कमान है उसके बीच में मंथन होगा, और वहीं पे तय होगा कि इन 9 सीटों पर कौन
प्रत्याशी उतरेगा और किसको जिम्मेदारी दी जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट लाकर देगा। आपको बता के कि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा सूची जारी की थी, उसके बाद में अखिलेश यादव ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी चालाकी से समय समय पर नामांकन से 2-4 घंटे पहले नाम बदले थे और उन्हें कई जगह पर इसमें सफलता भी मिली। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूरी जो चुनावी गणित थी वो काफी सुलझी हुई नजर आ रही थी टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव समय समय पर, जैसा आपने भी कहा कि नामांकन से 1-2 घंटे पहले उन्होंने उम्मीदवार बदले हैं, तो क्या माना जाए, क्या बीजेपी अब की बार यही सोशल इंजीनियरिंग देखते हुए समय ले रही है टिकट बंटवारे को लेकर? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, तो क्या अब की बार जो समय लिया जा रहा है सोच समझ के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर जो मुद्दा था और भाजपा को 400 नारे को लेकर भाजपा का चुनाव चढ़ा हुआ था, ऐसे में अखिलेश यादव सतर्क थे, भाजपा का चुनाव हावी था, अखिलेश यादव प्रत्याशी देखकर फिर प्रत्याशी उतार रहे थे। इस बार जो चुनाव जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी की तरफ चढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले उनके फेवर में नतीजे आए हैं, ऐसे में अब फूक फूक कर कदम भारतीय जनता पार्टी रख रही है और भारतीय जनता पार्टी लगभग जो जिन सीटों पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार दिए हैं उन पर तो प्रत्याशी तय करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है, लेकिन जहां पर अभी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं तय किए हैं वहां को लेकर उनको अच्छी खासी रणनीति और अच्छा खासा एक विश्लेषण करना पड़ेगा कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी फिट बैठेगा। आपको बता दें उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी फेवर की सीटें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही संघर्ष करना पड़ा है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने के बाद सफल होती है, वहीं कटेहरी और मिल्कीपुर और सीसामऊ कुंदरी की तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसे में ये उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम से नाक और रमन, ये उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दी, बीजेपी से ज्यादा सीटें ला के दिखाई और बीजेपी को 33 सीटों पर सिमटना पड़ा, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में यह पहला उपचुनाव होने वाला है और 10 की 10 सीटें चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए साक और नाक की लड़ाई बन गई है। एकदम आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी वह इस उपचुनाव में जीत कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की लहर आ रही है और उनकी सरकार बनने जा रही है, वही 2024 में झटके बाद में ये सेमीफाइनल माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो जो मैसेज अभी तक जनता में फैल गया है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही, अंडर करंट चल रहा है, वो अंडर करंट अब खत्म हो गया है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लहर बनाने में सफल हो गई है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो माहौल हावी था उसमें हरियाणा के नतीजों ने ठंडक लाई है और भारतीय जनता पार्टी का जो मनोबल था उसे हाई किया है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एकदम से कड़ी लड़ाई होने के एकदम से आसार है और कौन इसमें बाजी मार ले जाता है, कौन ज्यादा सीटें जीतता है ये नतीजे बताएंगे। लेकिन रमन, यहाँ पर सवाल ये भी कि जिस तरह से आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2027 से पहले इस उपचुनाव को एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, अगर यहाँ पर बीजेपी जो 10 सीटों पर दम भर रही है इनमें से 8 सीटें भी अगर बीजेपी जीतती है तो एक माहौल ऐसा जाएगा या संदेश ऐसा जाएगा कि बीजेपी ने कमबैक कर लिया है, जो डैमेज कंट्रोल हुआ वो कर लिया है, लेकिन अगर बीजेपी हारती है और अच्छे मार्जिन से हारती है तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो है 27 के लिए पूरी तरह से रेडी है। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं सीधा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। इन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में
सात दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। और देखिए कितना बड़ा सुभग संयोग है कि बाबा साहब आंबेडकर से भी ये सुखद रूप से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म के महान अनुयायी हमारे बाबा साहब आंबेडकर, पाली में उनकी धम्म दीक्षा हुई थी और वो स्वयं उनकी मातृभाषा मराठी थी। इसी तरह हमने बांग्ला, असमिया और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। साथियों, भारत की ये भाषाएं ही हमारी विविधता को पोषित करती है। अतीत में हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज देश ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है वो भी इन भाषाओं के संरक्षण का माध्यम बन रही है। देश के युवाओं को जब से मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प मिला है, मातृभाषाएं और ज्यादा मजबूत हो रही है। हमने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए लाल किले से पंच प्राण का विजन देश के सामने रखा है। पंच प्राण यानी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की एकता, कर्तव्यों का पालन और अपनी विरासत पर गर्व। इसलिए आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
तीन दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। आदरणीय साथियों, भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है, दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और एप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है, बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं, और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, 21वीं सदी का यह समय आज विश्व की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति, आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। तो आप हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।